कैसे हैं आप सब। मेरा आवाज़ थोड़ा लो है, मतलब मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बेटा अभी सोया हुआ है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं कालीघाट पूजा करने। अब बहुत जल्द मैं वापस चली जाऊँगी पटना, तो मैंने सोचा एक बार माता के दर्शन कराते हैं। मम्मी भी जाने वाली थी साथ में, बट पापा थोड़ा लो फील कर रहे हैं तो इसलिए मम्मी नहीं जा रही है। तो आज भाई का छुट्टी था तो मैं, भाई, बड़ा वाला बेटा, हम तीनों ही जा रहे हैं। और जब मम्मी घर पे है तो इतनी थोड़ी ठंडी है बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कि लेके जाने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। अगर मम्मी जाती तो फॉर श्योर बेटा भी जाता, बट मम्मी है तो मम्मी ने बोला कि उसे रहने दो यहीं पर, कहाँ लेके जाओगी, ठंडी लगेगी गाड़ी वगैरह में। तो और पूजा करना है तो ओबियसली सुबह जाना होगा, तो मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ, बस थोड़ा रेडी होना बाकी है। बट अभी बेटा उठा है, वो भी फ्रेश होगा, भाई फ्रेश होगा, देखते हैं। निकलने में अभी 1-2 घंटे टाइम है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ आई थिंक रेडी होने के बाद, तो फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ। ये देखिए कौन उठ के नहा के रेडी हो चुका है सुबह में। पहले इनका जाने का प्लान नहीं था, और देखिए अभी 6 बज रहे हैं और ये जाने के नाम में नहा के अपडेट हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, अच्छे से, थोड़ा जोर से। अभी हमारा रेडी हो चुका है। एक्चुअली मम्मी का जाने का प्लान नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, बट पापा ने बोला कि जाओ, जब सभी जा रहे हैं तो तुम भी चली जाओ, मैं ठीक हूँ। तो मम्मी भी बस अब रेडी हो रही है, नहाने गई है। उसके बाद भाई लाइन में लगा है, बेटा मैं और ये वाला बेटा नहा लिए हैं, मम्मी नहाने गई है, उसके बाद भाई जाएगा और शुरू हो गया इसका। ये तो पता नहीं क्या गया म्यूज़िक लगाता है, मैसेज वगैरह में सुने अभी ना। तो बस ये अपडेट हैं, रेडी हो चुके हैं। और बताइए अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और ये नहा चुके हैं। ठंडी नहीं लग रही है? घूमने जाने के चक्कर में ठंडी नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा भी मॉर्निंग में ही उठ के स्नान कर लेता है ना। हाँ, तो मम्मी रेडी हो जाए उसके बाद फटाफट हम लोग निकलते हैं, क्योंकि आज मंडे है तो आज शायद ज़्यादा भीड़ भी होती है। तो देखते हैं वहाँ पहुँचे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ माता के दर्शन करने। क्या हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारी मंडली रेडी हो चुकी है, और मैंने ये चूड़ी पहन लिया। मुझे वैसे कुछ कॉम्बिनेशन तो नहीं जा रहा ब्लैक के साथ ऐसे रेड येलो, बट मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने पहन लिया। और बस अभी टोली निकल चुकी है पूजा करने के लिए, देखते हैं वहाँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ। दक्षिणेश्वर काली जी के यहाँ तो मैं अक्सर जाती हूँ, बट यहाँ पे कालीघाट बहुत कम जाना हो पाता है, तो आज जाने का प्लान बन गया। और हमारी मंडली पीछे आ ही रही है, बेटा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, हाय कर दो। हाय। तो बस अब हम लोग निकलेंगे। मैंने अपने बाल खुले ही रखे हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, तो इसके लिए भी, और उतनी ज़्यादा गर्मी अभी नहीं लगेगी मॉर्निंग के टाइम, इसके लिए भी। ये तो मैं नॉर्मली अपने बाल को खोल के नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। तो खैर आ गई है मंडली जिसका वेट हो रहा था, तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। इन लोगों के रेडी होने के चक्कर में मैं पहले रेडी हो चुकी थी, तो चलिए चलते हैं। दाम बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नारियल वाला का सेम ही होगा, नारियल का दाम कम। ये है वो मंदिर जो हम लोग देखने आए थे। वैसे फूल तो नहीं ले पा रही हूँ, मतलब जितना हो रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ।
अभी पूरा खंडहर जैसा हो गया है, शायद नया फिर बना रहा है इसको। ये मेन है, इसमें काली जी है और ये ऐसे बनाया हुआ है, लाइन लगाया। पूजा हो चुकी हम लोगों की, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था कैमरा। मोबाइल लेके जाना ठीक है, जा सकते हैं, बट फोटो लेना या फिर पूजा करना जो भी प्रोसीजर होता है वो सब आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, अच्छे से पुष्पांजलि वगैरह दे दी। और ये है हमारे पंडित जी जिन्होंने पूजा करवाई है, बोलिए। तो इन्होंने हम लोगों का पूजा बहुत ही अच्छे से करवा दिया है, और बस हम लोग इनको जो दाल में छीना है वो देंगे और इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। पूजा बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा लाइन नहीं लगाना पड़ा, हालांकि कम लाइन थी, हम लोग जल्दी आ गए थे इसकी वजह से। बस देखते हैं कि क्या है कैसे। आपको बाहर का मार्केट भी अभी तक मैंने नहीं दिखाया, तो मैं आपको होप वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए थोड़ा पहले फोटो वगैरह ले लें। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारा शॉप लगा है, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ दुकान दिखाना, यहाँ से हम लोगों ने सामान लिया और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे यहाँ पे जितने भी दुकान है सभी अच्छे ही होंगे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे मैंने लिया और इन लोगों का भी बहुत अच्छा है। हम लोगों ने पंडित जी भी प्रोवाइड किया जैसा मैंने आपको दिखाया, तो पूजा भी हम लोग की हो चुकी है और बहुत अच्छे से हुई है। अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग यहाँ से हो दुकान से सामान खरीदिएगा। चलिए पूजा हो चुकी है, आप चलते हैं अब बाहर की तरफ। प्रणाम किए हम लोग की पूजा हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुई है। और अभी ये इसलिए मुंह बनाया है भाई क्योंकि तो दक्षिणा में थोड़ा उन लोगों ने ज्यादा पैसा ले लिया। हमने भाई भगवान के नाम पे थोड़ा बहुत तो होता है, चलो क्या किया जाएगा, इन लोगों का काम है उसी से वो लोग चलते हैं तो चलने दो। फिलहाल बहुत ज्यादा सुकून और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से। मैं आपको सामने में एक एंटर करने के बाद मंदिर है, हम आपको दिखाते हैं। मंदिर एकदम सामने पड़ता है और यहाँ से एंटर करने के बाद कुछ ऐसा है, देखिए चारों तरफ बस दूर दूर तक बस मंदिर का सामान यहाँ पे मिलता है। जगह सिंदूर का लगा हुआ है ठेला बोल सकते हैं, और छोटा 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 ठेला लगा हुआ है यहाँ पे पूजा का सामान, शंख, शाखा, फूल बाहर में भी लगा हुआ है और अंदर में तो पूरा एकदम मतलब हब ही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, देखिए अंदर मूर्ति वगैरह ऐसे छोटे छोटे ठेला है, बहुत दूर तक लगा है। आम खिला रहे, गर्म है बहुत ज्यादा गर्म बोलेगा कि किलो किलो को अलग अलग महीना बताएगा। दोनों तरफ लगा आ गए हम लोग। 4 घंटा लगा लाइन थी पूजा करने में, इसलिए थोड़ा देर हो गया। और मम्मी को देखिए, मम्मी को साथ में ना ला जाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसको वॉमिटिंग होती है, ये थोड़ा सा भी ट्रेवल करती है इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। तो देखिए अभी जाते वक्त तो इससे कुछ नहीं हुआ, बट आते वक्त इसको थोड़ी सी उल्टी हो गई है, तो थोड़ा ये सुस्त है अभी फिलहाल। और अभी मैंने बोला कि मम्मी प्रसाद दीजिए,
और ये छोटा छोटा संदेश है जो चढ़ता है, दक्षिणेश्वर में भी ऐसा ही प्रसाद चढ़ता है आई थिंक काली माँ का। मुझे आपसे ये बात बोलना था कि अगर आप लोग चाहें तो बाहर से फूल, मिठाई, नारियल, सिंगार का सामान, सारी सारी चीज़ें खरीद के लेके जाइए और वहाँ से ब्राह्मण को लीजिए और पूजा करवा लीजिए, पुष्पांजलि दे लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जाके खरीदने का मतलब है लूटना। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सच में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। सारी चीज़ की सुविधा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दुकान अच्छे से लगा हुआ था, किसी चीज़ की कमी नहीं, सारी चीज़ें मिलती है पूजा की। बट अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी ले जा सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे पंडित जी को बुलाइए और पूजा करवा लीजिए, बात खत्म। बट काफ़ी अच्छा लगा, बहुत शांति थी, बहुत अच्छा था। तो और हम लोग घर भी आ चुके हैं 11 बजे के पहले, पूजा अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अभी सभी को मम्मी प्रसाद दे रही है, प्रसाद खा के सुकून। अभी मुझे प्यास लगा है तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। कि ये केला दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सा घवत, ये जो घवत दिख रहा है आपको, ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं ठीक बगल में दो पेड़ था, तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसको काट के रख ले भाई, दूसरा कोई लेके फिर चला जाएगा, सुन नहीं रहा था। और अभी क्या हुआ कि उठा तो देखा कि एक जो केला का ऐसे घवत था कोई काट के लेके जा रहा था, तो वो भी गया, उठा हुआ तो जाके वो भी लेके आया। तो मैंने बोला क्या हुआ, सडनली लेके आया? बोले एक ठू लेके कोई चला गया। बोले जब मैं बोल रही थी तो नहीं समझ आ रहा था ना, तो वही उसको लेके आया। काफ़ी यूज है, काफ़ी बड़ा है, आई थिंक उसको कुछ रख देंगे सब्जी के लिए और कुछ पकने के लिए, मम्मी बोरा वोरा में बांध के रख देगी। खैर हम लोगों का तो अच्छे से नैप हो गया है, पावर नैप ले लिया है हम लोगों ने एक दो घंटे के आराम से। अब देखते हैं अभी आज का दिन कैसे निकलता है। भाई तो वैसे कुछ काम से बाहर गया हुआ है, एक दो घंटे में वो आएगा, उसके बाद देखते हैं कैसा दिन बीतता है। तो आप लोग भी बने रहिए इस ब्लॉग में। मम्मा मामा बोले ना। और आज खाने में बन रहा है बिहारियों का फेवरेट खाना, आप लोगों को पता चल ही गया होगा देख के। जी हाँ, ये बैंगन और टमाटर पका रही हूँ मैं तवे पे, क्योंकि यहाँ पे तो गांव वाला सिस्टम नहीं है ना, कि आप क्या बोलते हैं वो जो गाय के गोबर से बनते हैं उपले, उसे बनाएं और उसे जला के उस पर पकाएं, तो गैस पे ऐसे ही बन रहा है, पक रहा है। तो भाई को मैंने जैसे कि बोला था कि वो बाहर गया हुआ है, तो उसे आने में लेट हो रहा था, रात के 8-9 बजने वाले थे, तो फिर हम लोग कहीं गए ही नहीं, कि जब उसका छुट्टी है वो है ही नहीं, तो क्या आ जाए यार अकेले, इसलिए हम लोग घर पे ही रह गए। तो घर पे खाने का प्लान बना कि लिट्टी और चोखा बनाया जाएगा, जो कि हर बिहारियों का फेवरेट होता है, हमारे घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चोखा भी बना था, और यहाँ पे मैं बैंगन टमाटर देसी टाइप से पका के चटनी बना रही थी, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देख चुके होंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।